Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIIT Karnal. In this class we will discuss about ciprofloxacin. जैसे कि आप जानते हैं ciprofloxacin एक एंटीबायोटिक है. आप सभी ने ciprofloxacin अपनी लाइफ में जरूर यूज़ की होगी. जैसे एक आई ड्रॉप है ciprofloxacin प्लस डेक्सामिथासोन कॉम्बिनेशन में आती है. ये कंजक्टिवाइटिस में भी यूज होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती है. सो ciprofloxacin इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक दैट ट्रीट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस. ciprofloxacin जो है वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया से होते हैं उनको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है. बेसिकली एंटीबायोटिक है. ciprofloxacin इज अ सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक दैट इज वाइडली यूज इन द थेरेपी ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट यूरिनरी एंड रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ससेप्टिबल ऑर्गेनिजम्स. सो ciprofloxacin क्या है? सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन से ciprofloxacin, moxifloxacin ये क्या है? सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन की कैटेगरी में है और इसका यूज जो है माइल्ड टू मॉडरेट यूरिनरी इन्फेक्शन एंड रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये एग्जांपल है ciprofloxacin 500 mg टैबलेट की. अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की. सो ciprofloxacin इज एन एंटीबायोटिक दैट वर्क बाय इनहिबिटिंग एंजाइम टोपोआइसोमरेज सेकेंड एंड टोपोआइसोमरेज फोर. These enzymes are required for bacterial DNA replication, transcription, repair and recombination. So, एक बारी दोबारा हम रिवाइज करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है. ciprofloxacin क्या करती है? इनहिबिट करती है एंजाइम टोपोआइसोमरेज सेकेंड एंड टोपोआइसोमरेज फोर. ये जो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल होते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं DNA की रेप्लीकेशन के लिए, बैक्टीरियल DNA के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रिपेयर के लिए एंड रिकॉम्बिनेशन के लिए. सो इससे जो है वो DNA में रेप्लिकेशन नहीं हो पाता तो नई स्पीसीज नहीं जनरेट हो पाती और ना तो उसकी ग्रोथ रिपेयर हो पाती. सो दैट्स व्हाई जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है. नाउ व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ciprofloxacin. फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है इसकी? एब्जॉर्प्शन जो है वो ओरली है, सिंपल है. ओरल बायोबिलिटी 60-80% एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 20-35%. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3-4%. परसेंटेज ऑफ मेटाबोलाइज्ड 20%. एलिमिनेशन टी हाफ कितना है? 3-5 hours. रूट ऑफ एडमिशन ओरली भी देते हैं, IV भी देते हैं. एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नोजिया, वोमिटिंग, बैड टेस्ट, एनोरेक्सिया. CNS में डिजीनेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है? डिजीनेस, हेडेक, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी एंड इंसोमनिया. स्किन पर क्या इफेक्ट है? हाइपर सेंसिटिविटी, रैश और क्या है, फोटो सेंसिटिविटी, अर्टिकेरिया, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, टेंडोनाइटिस एंड टेंडन रप्चर. अ फ्यू केस हैव अकर्ड. रिस्क ऑफ टेंडन डैमेज इन हाइयर इन पेशेंट अबव 60 ईयर्स ऑफ एज एंड इन दोज रिसीविंग कोर्टिकोस्टेरॉइड्स. ciprofloxacin एंड अदर फ्लोरोक्विनोलोन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मीन्स इसको हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है. नाउ यूजेज ऑफ ciprofloxacin. ciprofloxacin is used in urinary tract infection, gonorrhea, cancroid, bacterial gastroenteritis and typhoid, bone soft tissue, ठीक है, gynecological infections, respiratory infection, anthrax, tuberculosis, meningitis, conjunctivitis. ये जो conjunctivitis है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ciprofloxacin. ciprofloxacin कॉम्बिनेशन में आती है ciprofloxacin प्लस HPMC एंड डेक्सामिथासोन. आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल
RPIIT Academics को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आई होप इस वीडियो में आपको नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए RPIIT Academics को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।